के द्वारा अपने डिस्ट्रीब्यूटर अधिकारी और सभी सदस्यों के लिए ये जो टीम डे का आयोजन किया गया है, हम उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और यहाँ विशाल जनसमूह में हजारों की संख्या में आप सब लोग आए हैं, इसके लिए भी आप सब लोगों को बधाई है। मैं विशेष रूप से कुणाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके प्रयास से आने का मौका मिला। मैं जनरली कार्यक्रम में जब इस तरह का होता है तो बहुत सोच समझ करके जाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत जगह जो है काफी जगह अच्छे लोग भी रहते हैं, काफी जगह खराब लोग भी रहते हैं। तो इसलिए हम लोग राजनीति में आज से नहीं है, 1969 में 69 में पहली बार एमएलए बने, 77 में जो है एमपी बने, तब से हैं, मंत्री भी हैं। इसलिए जब हमको मालूम हुआ, जानकारी मिली डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में, तो जब हम मंत्रालय में आए, मंत्री बने 2014 में, तो हमने विकास, हमने जो है अपने डिपार्टमेंट में एक हमने कमेटी बनाई, उच्च स्तरीय कमेटी, और हमने उनको कहा कि आप इसको देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत तरह से जो है चीट फंड आदि जैसे हैं, और स्वाभाविक है कि आज मान लेते हैं कि इसका जो है हजारों करोड़ में इसका जो है हमको जानकारी दिया गया कि 4500 करोड़ का साइज अगले 5 साल में होगा, और जो यहाँ है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उपभोक्ता जो सामान बनाते हैं वो चीट फंड के सामान नहीं है कि किसी के साथ में आप फ्रॉड करो, सामान का पता नहीं है, जगह का पता नहीं है, कंपनी का पता नहीं है। और उसके बाद जो है लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो, तो यहाँ जो हमारा कंज्यूमर का जो हम डिपार्टमेंट हमारा कंज्यूमर का है, और कंज्यूमर के उपभोक्ता के दृष्टिकोण से जो कंज्यूमर का अधिकार होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए कि ये वस्तु क्या है, सेवा क्या है, उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, उसका क्या कहते हैं कितना उसका कीमत होना चाहिए, कितना क्या कहते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको कितना कमीशन मिलना चाहिए, ये सारा का सारा जो है इसके लिए हमने जो है गाइडलाइन क्या कहते हैं कि उसमें हमने जारी किया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो है जो 1986 का है, 32 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें जो है कोई बदलाव नहीं आया। हम 2014 में क्या कहते हैं कि जब आए मंत्री बने, 2015 में हमने जो है वो नया बिल पेश किया, स्टैंडिंग कमेटी में गया, वहां से होकर के आया, पूरे देश में जितने कंज्यूमर थे, जो हमारे एनजीओ के लोग थे उनसे, मीडिया के लोग थे उनसे राय मांगी, और बहुत बड़ा जो है जबरदस्त बिल जो है पार्लियामेंट में जो है सो नया बिल हमने जो है 2017 में पेश किया, और उस बिल के मुताबिक जो है काफी उसमें प्रोविजंस हैं। एक तो कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है कि बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया को सरल किया जाए, जहां से कंज्यूमर सामान खरीदता है, पहले था वहीं जाकर के सामान खराब मिला वहीं एफआईआर दर्ज करना पड़ता था, अब ये नहीं है। और इस कानून के मुताबिक कहीं से भी जो है आप चाहे एफआईआर दर्ज कर सकते हो, मोबाइल से भी क्या कहते हैं शिकायत दर्ज कर सकते हो, शिकायत दर्ज नहीं होता है तो 21 दिन के अंदर ऑटोमेटिक जो है शिकायत जो है दर्ज माना जाएगा, कोई वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी,
पहले 20 लाख रुपया तक था, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जिला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, अब उसको बढ़ा करके हमने 1 करोड़ रुपया उसमें किया है। स्टेट लेवल को हमने जो है 10 करोड़ रुपया किया है, और उसके ऊपर जो है नेशनल कमीशन हमारा है। हमने जितने भी राज्य सरकारें हमको लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का कमीशन उनके पास में रहता है, वहां ठीक से नियुक्ति करे, चेयरमैन का कोई पद खाली नहीं रहे, मेंबर का कोई पद खाली नहीं रहे, वेतन सबको एक समान मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जितना जल्द हो सके 90 दिन के अंदर में जो है जजमेंट हो जाना चाहिए। उसमें हमने मीडिएशन का भी रखा है कि आपस में समझौता भी किसी स्तर पर कर सकता है। हमने उसमें एक और भी रखा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला है, अभी देखते हैं कि कहीं जाइए लिखा हुआ मिल जाएगा कि 3 दिन में अपने बाल को उगा लीजिए, 3 महीना में ऊंचाई को बढ़ा लीजिए। ये जो सारा का सारा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जिसको कहते हैं भ्रामक विज्ञापन, उसको भी देखने का काम करेगा। और जो मानते हैं कंपनी है, वो कंपनी यदि ये बोतल है, बोतल के अंदर में क्या सामान है, वही उसको लिखना पड़ेगा, मालूम हो जाएगा कि भीतर में कुछ लिखा हुआ है, बाहर में कुछ है, तो उसके लिए जेल तक की सजा है। कोई क्या कहते हैं मीडिया वाले हैं, उनका इतना ही काम है कि जो लिख करके दिया जाता है उसी को प्रकाशित करें, अपने मन से कुछ नहीं लिखे। जो जितने सेलिब्रेटर हैं, कहीं मानते हैं कि एक्टर हैं, कहीं कोई हैं, उनसे भी हमने कहा है कि आप अपने मन से मत कुछ जोड़ो, जो आपको दिया गया है वही बात बतलाओ। तो ये जो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला है, आप जानते हैं सोना है चांदी है, उसमें कोई सोना है 9 कैरेट से शुरू होता है, 22-23 कैरेट तक जाता है, गरीब को पता ही नहीं चलता है कि 9 कैरेट का सोना खरीद रहा है कि 22 कैरेट का खरीद रहा है, उसके बाद जो है वो धोखा में पड़ जाता है। हमने कहा सप्पल होल मार्किंग जरूरी होगा, और जितना कैरेट नहीं होगा, 4 कैरेट रहेगा, 14 रहेगा, 16 रहेगा, 18 रहेगा, कुछ लोगों ने हमसे मांग किया है कि 24 कैरेट का भी रख दीजिए, और उसमें कंपनी का नाम क्या है, ये सारा का सारा चीज क्या कहते हैं कि होगा। तो ये जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, उसमें हमने अथॉरिटी का भी बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रहेगा। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मतलब है कि पहले आप सामान खरीदते थे उस समय में शिकायत करते थे, और सामान खरीदने के पहले शिकायत कर सकते हैं कि ये शोरूम में जो लगा हुआ है सामान, इसमें कुछ और है लिखा हुआ, कुछ और है। सामान खरीदने के साथ भी कर सकते हैं और सामान खरीदने के बाद भी कर सकते हैं। पहले होता था यदि एक बोतल का पानी खराब है तो बोतल को रद्द किया जाता था, कोई कार है, कार का इंजन खराब है तो वो कार को जब्त किया जाता था या उसको जुर्माना होता था। अब नए कानून के मुताबिक हमने कहा है यदि एक कार का इंजन खराब है, उसी कार का इंजन खराब नहीं है बल्कि उस लॉट में जितने कार बने हैं सबका क्या कहते हैं कि ये उसमें डिफेक्ट है, इंजन खराब है, और अथॉरिटी को अधिकार रहेगा कि वो लाइसेंस को रद्द करे, उसको अधिकार रहेगा ये पूरा का पूरा जो है सामान को वापिस करवावे। तो ये कंज्यूमर का जो मामला है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि प्लेन का है, प्लेन में लेट होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता था, ट्रेन में लेट हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था, उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि नहीं, एक निश्चित समय के बाद यदि लेट होता है तो पूरा का पूरा दाम जो है कंज्यूमर को क्या कहते हैं कि मिलेगा। इस देश में एक छोटा जो है मजदूर से लेकर के राष्ट्रपति तक सभी क्या कहते हैं कंज्यूमर हैं, और उनकी उपभोक्ता की रक्षा करना हमारा काम है। इसलिए आज जो डायरेक्ट सेलिंग का मामला है, ये डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ कंक्रीट होना चाहिए, ये नहीं अंदाजन से कि कंपनी का पता नहीं है। अब जिसे अभी है वो ऑनलाइन सेलिंग भी है, ई कॉमर्स भी है, अब उसमें शिकायतें मिलती है कि आपने पैसा जमा कर दिया
और उसके बाद जो है सामान क्या कहते हैं कि पता चला कभी सामान नहीं आया, पता लगा तो सब कंपनी ही नहीं है, सामान आया तो खराब सामान आया, सामान आया क्या कहते कि लेट से आया, ये सारी की सारी चीजें शिकायत है। इसलिए ये जो हमारे क्या कहते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया है और जिसको एक्ट में हम शामिल करने जा रहे हैं, उसमें कंज्यूमर के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। आप जितना सामान लेते हैं आपको पूरा जानने का अधिकार है, क्योंकि ये विश्वास के ऊपर में चलता है। कोई आदमी सामान आपसे खरीदेगा तो 100 बार आपसे पूछेगा कि इसकी क्या गारंटी है कि आप हमको सामान दे रहे हो ऑथेंटिक है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, हेल्थ के लिए स्वास्थ्यदायक है कि नहीं है, ये सारा चीज जो है बतलाना पड़ता है। इसलिए जो हमारे क्या कहते हैं जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको इन सारी चीजों को जानकारी जो है देना पड़ेगा, और फिर उनके विश्वास के ऊपर में जो है डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है डायरेक्ट जाकर के है लोगों से जो है उसको बेचेगा। उसमें हमको अभी बदलाया गया, काफी लोग हैं जिनकी काफी अच्छी आमदनी, चूंकि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, तो ये जो है अपना धंधा करके कि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और आप मालिक भी हैं, दोनों आप ही हैं, इसलिए आपके ऊपर में भी जो है बहुत बड़ी जवाबदेही है। और जो मान लेते हैं कि यहाँ के जो आयोजकों से हमने कहा है कि कभी भी कोई शिकायत जो है इस तरह की क्या कहते हैं कि माल में नहीं आना चाहिए, और जो कंज्यूमर को जानने का अधिकार है ये सारा का सारा अधिकार जो है उसमें लिखित रूप में रहना चाहिए। और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो उत्साह आप लोगों में हम देख रहे हैं और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, हम तो सोचे भी नहीं थे। एक बार इन्होंने मलेशिया में कहा था कि मलेशिया चलिए, तो हमने कहा सोचेंगे, लेकिन फिर हम नहीं जा सके, तो हमने कहा पहले एक बार ट्रायल ले लें। तो आप लोगों का जो उपस्थिति है आप सब लोग बतलाइए डायरेक्ट सेलिंग से जो है आप लोग संतुष्ट हैं, जरा हाथ उठाइए ना, तब ने पता चलेगा। ठीक है, तो अब आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं, है ना। और हम फिर से जो है एक बार जो है माई को जो है माई लाइफ स्टाइल के द्वारा और आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको धन्यवाद देते हैं। कुणाल जी हैं और भी हम बराबर इन्हीं से आते रहते हैं, तो जितने हमारे सब साथी हैं और जो यहाँ के क्या कहते हैं करता धरता है, हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।